हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम। तो डेथ ऑफ पार्टनर मतलब अच्छा खासा बिजनेस था, एक की डेथ हो जाती है। मतलब रेखा है, मेनका है, मुक्ता चली गई हमेशा के लिए, ऐसा इसमें दिया है। तो बिजनेस एंड होता है मार्च में। बिजनेस कब एंड होता है? मार्च। और वो कभी गई? जुलाई में गई। मतलब अप्रैल थी, अप्रैल की गर्मी, मई की गर्मी, जून की पहली बारिश लेके चली गई वो। तो बिजनेस में कितना मंथ थी वो? 3 मंथ थी। तो वो डेथ हो गई। तो फिर अपने को मुक्ता का कैपिटल बनाना है। मैं बेसिक सम अच्छे से स्टार्ट करता हूँ, वापस से 5-6 सम सॉल्व कर दियो। तो अपने को सिर्फ मुक्ता कैपिटल बनाना है और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करना है। तो उसके पहले अपने को P&L एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, तो स्टार्ट कर दो। राइट, तो ये कैलकुलेशन तो मेन पार्ट है जिसके लिए तुम लोग वीडियो प्ले कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो। अब नहीं आया तो कभी नहीं आएगा भाई, भूल जाना, 8वां गया जेब में। फिर तो सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट बनाएंगे। ओके, फिर मुक्ता कैपिटल तुम्हारा मेन आंसर है। इसका वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, गुडविल और प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग P&L एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो मुक्ता गई 1 जुलाई, मतलब 3 महीना जिंदा थी, और वो डेथ तो हो गई। रेशियो क्या दिया है? 2:1:1 रेशियो क्या है? 2:1:1। तो पहला एडजस्टमेंट तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, चला जाओ। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 70,000। प्लांट की वैल्यू कितना है? 60। अभी कितना हो गई? 70। तो वैल्यू बढ़ गई ना यार, बढ़ गई तो क्या हो गया? फायदा हो गया। तो कितना फायदा हो गया? 10,000। तो 10,000 को फायदा होगा, क्रेडिट में लिखेंगे। अगर कम होता ये वंटी आराम से कोने वंटी मस्ती कर रहे हैं आराम से, चला जाओ। तो सबसे पहले क्या हुआ? प्लांट एंड मशीनरी में फायदा हो गया। क्या हो गया? फायदा। तो कितना फायदा हो गया? 60 से कितना हो गया? 10। 60 से कितना हो गया? तो 10,000 फायदा हो गया, इसके लिए क्रेडिट में आया। अगर मान लो 60 रहता और इधर 50 हो गया रहता, तो 10,000 लॉस होता। तो लॉस को कहाँ लिखते? डेबिट में लिखते। कहाँ लिखते? डेबिट में। ठीक है, आगे बोला है RDD। RDD मतलब डाउट है कि पैसे आने वाला नहीं है। RDD मतलब डाउट है। कितना डाउट है? 2,000। मान लो 2,000 का चूना लग गया, तो चूना लग गया मतलब लॉस होता है। तो लॉस को डेबिट में लिखने का, RDD लॉस हो गया 2,000। ओके, तो फर्स्ट ही लाइन में एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बोला था, और बाकी के एडजस्टमेंट पूरा ट्रीटमेंट ऑफ डेथ का ही है। और कोई एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई नहीं है। तो इसको आपको क्लोज कर दो। क्या कर दो? क्लोज, बंद कर दो। ए आवाज नहीं रहे, तो इसको बैलेंस करेंगे। आ जाओ, तो ये 10,000 है, ये 2,000 है, तो ज्यादा कौन सा हो गया? 10,000। तो 10,000 को आप लोग दोनों तरफ लिखेंगे। ओके, 10 में से 2 गया, तो कितना आ जाएगा? 8,000 आएगा। तो ये 8,000 किसको बांटेंगे? तीनों पार्टनर को पहले बांटेंगे। इधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे? पार्टनर। तो तीनों लोग का नाम क्या है? रेखा, मेनका और मुक्ता। रेखा, मेनका, मुक्ता। और मुक्ता गई। ओके, अपने को मुक्ता का प्रॉफिट चाहिए। तो लॉस कितना हो गया? 8,000 ना। तो 8,000 को रेशियो में बांटेंगे। रेशियो क्या? 2:1:1। तो ये 8,000 को ये वाले रेशियो में बांटेंगे, 2:1:1। तो 2, 1, 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 8,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2,000। 8 को अगर 4 से डिवाइड करता 2,000 है ना। 2, 1, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2, 2, 1 जा 2, मतलब इसको 4,000 मिलेगा, इसको 2,000 मिलेगा, और इसको अब कहानी चालू होती। इधर ध्यान देने का, कौन सी पार्टनर डेथ हो गया? मुक्ता। और हम लोग किसका कैपिटल बना रहे? तो सिर्फ मुक्ता का प्रॉफिट यहाँ उठा के तुमको पोस्ट करना। तो इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। डेबिट इधर क्रेडिट में आएगा ना यार, अगर लॉस होता यहाँ से यहाँ आता। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिखने का प्रॉफिट। क्या लिखने का? तो सिर्फ मुक्ता का शेयर उठाने का यार 2,000। तो ये अकाउंट क्यों बनाया? जो पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस है उसको ट्रांसफर किया, बाकी की जरूरत नहीं थी। फिर से भी हम लोग क्या करेंगे? पहला टेबल से सॉल्व करेंगे। तो कैपिटल किसका लेंगे? मुक्ता का लेंगे। राइट, कैपिटल को कैसे लिखते हैं? मुक्ता कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट में लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस इधर तीनों पार्टनर का कैपिटल नहीं बनाना, जो पार्टनर चले गया उसका बनाना है। तो मुक्ता, ए आवाज नहीं, यूट्यूब पे डाल दूंगा तुम लोगों को, वायरल वायरल कर दूंगा बस। मुक्ता, तो मुक्ता का कैपिटल कितना है? 34,000। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,000। फिर इधर क्या दिया है? रिजर्व। क्या दिया है? रिजर्व। तो देखो ना, जनरल रिजर्व है 16,000। क्या है जनरल रिजर्व? क्या होता है? जमा किया हुआ पैसा रहता है ना। तो तीनों पार्टनर को बांटने हैं, तो अपने को किसका हिस्सा उठाना है? मुक्ता का। अच्छा, रिजर्व कितना है? 16,000। रिजर्व कितना है? 16,000। तो इधर लिखेंगे जनरल रिजर्व 16,000 लिखा। राइट, रेशियो क्या? 2:1:1। तो पहले 4 से डिवाइड कर दे दो, कि 2 और 1 3, 3 और 1 4। जो 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जा रहा है? 4,000।
ये रेखा है, ये मेनका है, ये मुक्ता है, तो मुक्ता का शेयर कितना वन है ना, फोर वन जा फोर, तो मुक्ता को कितना रिजर्व मिलेगा, 4000। कितना रिजर्व मिलेगा, जनरल रिजर्व में आएगा 4000। कितना आ जाएगा, 4000। तो हम लोग ने टेबल से कैपिटल लिखा और जनरल रिजर्व बांटा, बाकी एसेट्स और लायबिलिटी नहीं लिखने का क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे ना हम लोग, तो कैपिटल में जो आता वो लिखने का। अब सुनो, जहाँ कैपिटल है वहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और डेबिट में ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो सेकेंड बोला है ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता, मुक्ता ने क्या किया था, पैसा विड्रॉ किया था, कितना विड्रॉ किया था, 10000। कितना विड्रॉ किया था, 10000। तो ड्रॉइंग डेबिट में आएगा, तो डेबिट में लिखेंगे 10000, पैसा निकाला ना यार, ड्रॉइंग डेबिट में लिख दिया। फिर आगे क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1000। क्या बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट में आएगा 1000। किधर आएगा, डेबिट में आएगा 1000। ड्रॉइंग डेबिट में आएगा तो कैपिटल क्रेडिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता तो यहाँ लिखते, फिलहाल है क्या, नहीं। अब जिसका तुमको इंतजार था ना वो चीज स्वीकारो। तो इधर अभी तुमको सबसे पहले लिखना है बाय गुडविल, क्या लिखना है, बाय गुडविल। अभी जो सॉल्व करूंगा वो सॉल्व करके यहाँ लिखना है, और एक लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो, जो अभी करना बाकी है, ठीक है। तो ये दो चीज सॉल्व करेंगे, तो ये पार्ट सॉल्व करके यहाँ आएगा, ये पार्ट सॉल्व करके यहाँ आएगा, ओके। तो अभी गुडविल का कैसे सॉल्व करना है, आओ अच्छे से रीड करते हैं। तो वो एडजस्टमेंट दिया फोर्थ, हर शेयर ऑफ गुडविल, हर कौन, मुक्ता का गुडविल मिलेगा कितना है, कैलकुलेटेड एट थ्री ईयर परचेस। क्या बोला, थ्री ईयर ऑफ प्रॉफिट, ये वर्ड मेन था, थ्री ईयर परचेस ऑफ प्रॉफिट, थ्री ईयर परचेस ऑफ प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ईयर परचेस इनटू एवरेज प्रॉफिट। तो कितना साल का गुडविल निकालना है, तीन साल का, कितना साल का निकालना है, इसके लिए थ्री लिखा, पर एवरेज प्रॉफिट क्या मालूम ही नहीं ना अपने को, तो एवरेज के पहले टोटल आता है, क्या आता है, तो आ जाओ आगे क्वेश्चन देखो, दिया है अपने को पिछले चार साल का टोटल दिया है, पहले साल 1.5 लाख कमाया, दूसरे साल 1,30,000, फिर 70,000, फिर 50,000। अभी चारों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, चारों को ऐड करेंगे, तो 1.5 लाख, 1,30,000, 70,000, 50,000। तो हमने क्या किया, ये चारों प्रॉफिट को एक साथ लिख दिया इधर, सिंपल। अब चारों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो अपने को टोटल प्रॉफिट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1,20,000 हो गया, 1,20,000 पे 1,30,000, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो ये टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4 लाख। टोटल कितना आया, 4 लाख। कैसे आया, चारों को क्या किया, ऐड किया, एवरेज मतलब डिवाइड, एवरेज मतलब divide. अब ये 4 लाख को डिवाइड करेंगे, कितने साल का प्रॉफिट दिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 5 साल का प्रॉफिट रहेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, 3 साल का प्रॉफिट रहेगा तो जितने को ऐड किया उसने से डिवाइड करेंगे। तो 4 लाख को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख आएगा, कितना आएगा, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आ जाएगा। अब ये 1 लाख आपका क्या बन गया, एवरेज प्रॉफिट क्या बन गया। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, रेड पेन से लिखा, नंबर ऑफ ईयर परचेस एंड एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया ना, देखो ना, गुडविल कैलकुलेटेड थ्री ईयर परचेस, क्या बोला, थ्री ईयर, इसके लिए थ्री ईयर डाला। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट, कितना एवरेज प्रॉफिट, 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। इसको सॉल्व करेंगे तो गुडविल कितना हो गया, 3 लाख। गुडविल कितना हो गया, ये टोटल गुडविल है, तीनों पार्टनर का है, कौन सा पार्टनर का है, तीनों, पर तीनों थोड़ी मरे इसमें से, एक ही पार्टनर का है ना मुक्ता, तो मुक्ता का हिस्सा उठाना है, मुक्ता शेयर इन गुडविल, तो लिखेंगे 3 लाख। क्या लिखेंगे, और मुक्ता का रेशियो क्या है, ये देखो ना, ये रेशियो था 2:1:1, रेखा है, मेनका है, मुक्ता है, ये इसको ऐड करके कितना आएगा, 4 आएगा, और मुक्ता कौन है, लास्ट है ना, 1, तो मुक्ता का शेयर है 1/4, क्या है, रेखा का है 2/4, बीच वाले का 1/4, तो अपने को मुक्ता का लेने का 1/4, तो इधर आ जाएगा 1/4। तो 3 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 लाख का आधा 1.5 लाख, और 1.5 लाख का आधा 75,000। तो 3 लाख को 4 से डिवाइड किया था, 75,000 आया, वो 75,000 तुम्हारा क्या हो गया मालूम है, गुडविल हो गया, क्या हो गया, ये देखेंगे गुडविल अकाउंट, ये 75,000 का प्यार से यहाँ लिख देने का ऐसा, ओके। तो ये कैलकुलेशन करने का था, फिर से रिवाइंड कर लो, अच्छे से आ जाएगा ना यार। अब वो पार्टनर ना बिजनेस में, देखो बिजनेस का एंड कब होता है, 31 मार्च को, कभी एंड होता है, वो अप्रैल थी, मई थी और जून थी, 3 महीना थी, और 1 जुलाई को चली गई, तो 3 महीने के साथ उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, ऑन दी बेसिस ऑफ 3 मंथ शी विल गेट दी प्रॉफिट। तो वी हैव टू फाइंड मुक्ता शेयर इन प्रॉफिट अप टू दी डेथ। तो प्रॉफिट का भी कंडीशन दिया है, डिसीज पार्टनर, जो पार्टनर चला गया है, जो पार्टनर चला गया, मर गया है, शेयर द प्रॉफिट अप टू द डेथ कैलकुलेटेड ऑन दी बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला है, एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, क्या बोला है, लास्ट 2 बोले तो 70 और 50, 70 और 50, इन दोनों का एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब प्लस करके डिवाइड, एवरेज बोले तो लास्ट 2 बोले तो 70 और 50, इधर लिख रहा हूँ,
प्रॉफिट मिलेगा एवरेज प्रॉफिट लास्ट टू ईयर, तो एक का 70 था थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का कितना था 50। लास्ट टू बोला ना, ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ, तो ये लास्ट टू को उठाया ना मैंने, तो एवरेज मतलब दोनों को प्लस करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे। अभी टू से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि दो साल है ना यार, तो 70 और 50 एक लाख बीस का आधा करेंगे तो कितना आएगा 60,000। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट टू ईयर, तो इसको लिखेंगे 60,000। क्या लिखेंगे इधर 60,000। फिर रेशियो आएगा, क्या आएगा, मुक्ता का शेयर कितना है 1/4। वो बिजनेस में कभी गई वो बेचारी, 1 जुलाई, अप्रैल थी, मई थी, जून, तो कितना महीना थी, तीन महीना। तो साल में कितना महीना रहता है 12, ऊपर कितना आएगा 3। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, वन दा चार का था 2, 60,000 का था 30,000, 2 का था 1, 30,000 का था 15,000, 30,000 का था, तो ऊपर 15,000 बचा है और नीचे 4 बचा है, 4 का था 2, 15 का था 7.5, ऊपर 7,500 बचा है और इधर 2 बचा है, 7.5 का जा 3,750, 3,750। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में आएगा, किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में आएगा। ओके, ये जो भी आया ना वो यहाँ लिखेंगे सस्पेंस। अब जो पार्टनर चला गया है तो उसका जो भी हिसाब रहेगा उसका एग्जीक्यूटर लेके जाएगा। एग्जीक्यूटर कौन होता है, हिसाब मतलब एक लीगल हायर है, एक लीगल पर्सन है जो नॉमिनी है, जो वसीयत लिख के उसके घर पे देगा, खुद लेके जाएगा, उसको घर पे देना चाहिए। तो बैलेंस इसको इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, तो क्रेडिट वाला प्लस करेंगे, डेबिट वाला माइनस, 34,4, 38,2, 40, 1,18,750। ये कितना 1,18,750 दोनों तरफ लिखने का, क्योंकि ये ज़्यादा होता है ना यार, इसको दोनों तरफ लिखा, 1,18,750 से 11,000 कम कर देंगे, कितना माइनस करेंगे 11,000, तो बैलेंस है 1,07,750। ये मुक्ता का जो एग्जीक्यूटर है, जो वकील है, वो लेके जाएगा उसके घर पे दे देगा। अगर वकील ईमानदार है तो घर पे देगा ना, तो खुद अपने घर पे लेके चले जाएगा। तो ये होता है डेथ ऑफ पार्टनर, क्या है, तो एक अच्छा सा ट्रीटमेंट कर दिया है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।